धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि राणा सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो, आज फिर से आप अपने घर यानी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सोच और विचारधारा में शामिल हो और फिर से सबके पुराने दिन वापस। आज किसकी अध्यक्षता में आपने ज्वाइन किया? हमारे माननीय श्री अनिल चौधरी जी जो दिल्ली प्रेसिडेंट हैं उनकी अध्यक्षता में, और माननीय अली मेहंदी जी जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन सबों की अध्यक्षता में। क्या कुछ जिम्मेदारियां मिली है दिल्ली में आपको? जिम्मेदारियां यही मिली है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जो भी दुखी हैं, जो भी परेशान हैं, और स्पेशली जो पूर्वांचली समाज जो पैंडमिक के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन सभी को उनकी परेशानियों को दूर करके उन्हें दिल्ली में वापस से स्थापित कराना, ये मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी है। जिस तरह आप दूसरे पार्टी में छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को, काफ़ी लोग जा चुके हैं और वापसी कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल, वापसी कर रहे हैं क्योंकि अब जो हमारी कांग्रेस की विचारधारा है वो सबसे अलग है, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा सबसे सराहनीय है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं माननीय अनिल चौधरी जी। उन्होंने जिस तरीके से अभी दिल्ली के लिए जो काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता इस सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी और सबसे ज़्यादा खुश होगी। आने वाले चुनाव में क्या कुछ खास मुद्दे होंगे आपकी तरफ से? आने वाले चुनाव में हर बस मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली में विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, और पिछले ये जो आम आदमी की सरकार है ये दूसरी बार आ गई है, पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारी गुरु माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जितने प्रोग्रामों को किया था, आज तक तो ये उसी को नहीं बना पाए हैं। आगे की तो प्लानिंग बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी जी की सोच से आपकी सोच कितनी मिलती है? राहुल गांधी जी की सोच हमें बिल्कुल प्रभावित करती है, उनकी युवा जो सोच है वो काफ़ी अच्छी सोच है, और मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जी के विचारधारा से सारे जनता इस बार जुड़ेगी और उन्हें पूर्ण बहुमत देगी। इस वीडियो के माध्यम से सोनिया गांधी से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैडम से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आज तक जिस तरीके से उन्होंने आशीर्वाद बनाए रखा है और जिस तरह से आगे उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उसी तरह वो हमारा नेतृत्व करें और हमें आशीर्वाद दें। आज कितने लोगों के बीच में आपने ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी? अभी आपने देखा ही होगा काफ़ी लोग आए हुए हैं, और क्योंकि पैंडमिक सिचुएशन है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लोगों की हेल्थ को सबसे ज़्यादा नज़र में रखना है। तो इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बुरे समय में अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और मैं राणा सुजीत सिंह हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ, 24 घंटे अवेलेबल, आपकी जो भी समस्या हो मुझसे आकर के मिले, मैं जरूर जो मुझसे बन पड़ेगा बिल्कुल। दिल्ली में आपका क्षेत्र कौन सा है? और दिल्ली में मैं छतरपुर से चुनाव लड़ा था, और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, पूरी हिंदुस्तान ही मेरा क्षेत्र है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, तो मुझे क्षेत्र और डिवीजन में काम नहीं करना, मैं सबके लिए खुला हूँ। नहीं, छतरपुर के लोगों को काफ़ी आपसे उम्मीद है, उसके लिए कैसे आपसे कोई संपर्क करें? मैं तो कहा कि मैं अब 24 घंटे उपलब्ध हूँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ। आपको ये पता है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय आज सभी को पता है, क्योंकि दिल्ली में पहले कांग्रेस की सरकार माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के सौजन्य से, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया, तो सब लोग मुझसे मिल सकते हैं, मैं यहाँ उपलब्ध हूँ, सबके पास मेरे नंबर है, और जो भी उनकी विचारधाराएँ हैं उन्हें मैं भी समझूंगा, जो उनके लिए अच्छे से अच्छा होगा। काफ़ी युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? पूरा उनका मेरे तहे दिल से उनके लिए स्वागत है, और बिल्कुल आप जुड़ें, मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू सर।